सब्सक्राइब करिए फर्नीचर रियाज चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फर्नीचर रियाज दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि पहली वाली वीडियो में मैंने मशीन के बारे में बताया था कि कई भाइयों के बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं कि हमें मशीन के ब्लेड कैसे भांगते हैं, तो कौन सा ब्लेड भांगना चाहिए, तो ब्लेड किस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको, ब्लेडों पर ही हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सा ब्लेड हमने जो से मैंने दिखाया था, मैंने मरिंडा के बांध रखे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये 35 रुपए इंच है, कोई 50 रुपए इंच दे रहा, कोई 35 रुपए इंच दे रहा है, ठीक है, इस रेंज के। और हाई कार्बेट का जो सा आता है, हाई कार्बेट का फुल कार्बेट होता है जो सा ब्लेड, वो अपना पड़ता है दोस्तों 200 रुपए इंच पड़ता है, वो अपना जर्मन का होता है। और जो सा आधी हाफ कार्बेट का होता है वो होता है 100 रुपए इंच, 35 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए, इनका ये रेट है दोस्तों। क्योंकि मरिंडा के ब्लेड, क्योंकि ये पहले फैक्ट्रियों में चलते थे, आजकल जो गोल वाला आ गया इनका, सर पे पत्ती वाला, किसके पुराने होंगे तो मिल जाएंगे, वैसे मिलने बड़े मुश्किल है। मेरे पास पुराने 4-5 सेट पड़े हैं, वही उन्हीं से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हाई स्पीड में डालूंगा, क्योंकि इनको थोड़ी थोड़ी देर में जेड की धार लगानी पड़ती है, हाई स्पीड वाले में उसमें हाई कार्बेट वाले में धार नहीं लगानी पड़ती। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मशीन के ऊपर की सारी वीडियो मैं जो बनाऊंगा मशीन के ब्लेडों के ऊपर, मशीन के ब्लेड हम कैसे फिट करते हैं, जैसे हमारे ब्लेडों में पोर्ट आनी चालू हो जाती है मशीन में, हमें कितना ब्लेड बाहर निकालना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा मैं बताऊंगा कि ये हमारी प्लेटें टेढ़ी हो जाती है, थोड़ा दूर जाओ, ये हमारी प्लेटें दोस्तों टेढ़ी हो जाती है, इस पर धार नहीं सीधी होती। तो अगली जो से भी वीडियो आएगी इसी के ऊपर बनाऊंगा, वो आपने जरूर देखनी है कि मशीन की प्लेट कैसे धार करती है, धार सीधी करते हैं मशीन की प्लेट के साथ। और दूसरा ये मैं उस दिन बताना भूल गया ना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी, एक ये आधी इंची का आता है हमारे पास, ठीक है, ये आधी इंची का ये सर्कल होता है, ये हम जिसमें झरी वगैरह देते हैं इसकी तरफ बांधते हैं, ये तो यूनिवर्सल का आता है, एक आता है परफेक्ट कंपनी का आता है, ये गुजरात की कंपनी है, दोनों कंपनी बड़ी बेस्ट है, ये मेरे पास परफेक्ट का है, ठीक है दोस्तों। ये 350 की रेंज का आता है, इसका जो सा सर्कल है भाग भाग का वो मैं बता दूं, 6 इंची का है, इसके अंदर आप झरी कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1.5 इंची तक झरी आपकी इसके अंदर घेरी चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक तो ये हो ही गया, आपको मैंने बता ही दिया, ये किसी को परचेज करना है, इसकी ये ऐसी पैकिंग आती है प्लास्टिक की डिब्बी में आता है। दोस्तों अब हम चलते हैं ब्लेड, मशीन की ब्लेड की धार कैसे हमसे, दोस्तों ब्लेड बांधने से पहले हम क्या करेंगे, हमने ये सीधी धार का इनकी वो लकड़ ले लेनी, जिससे हमने ये देखना है कि हमारा ये इससे ऊपर कितना है, के रोल से ऊपर कितना जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर ब्लेड देखो इतना ही निकलेगा, जितना ये हमारा है ना ब्लेड, इससे इतना ही निकलेगा, अगर हम थोड़ा सा इसको और कम करेंगे, दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बड़े मतलब की वीडियो है ये आपके, ये देखिए ये हमारा है 1.25 के करीब है, हम इसको और इसको डाउन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमारी पुटनी आएगा, पुटनी आएगी, ठीक है दोस्तों। हमने क्या करना है, जब हम इसको बांधेंगे, हमने दोस्तों ये लूज कर लेनी है, ठीक है, हल्के हल्के से लूज कर लेंगे, ये लूज करके हमने क्या करना है, ये ब्लेड ऐसे रख लेने, ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, क्या ज्यादा लूज भी नहीं करना कि ब्लेड हमारा नीचे गिर जाए, तो उसमें बड़ी दिक्कत होगी दोस्तों। जो से इसमें ये नट लगे हुए हैं, ये स्टेनलेस स्टील के हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम क्या करते हैं ब्लेड इसका डाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इधर से हम ब्लेड को एक जैसे रखेंगे, हल्का सा बाहर कर लेंगे ब्लेड को, हम हल्का सा टाइट कर लेंगे, जिससे ब्लेड हमारा टिक जाए, भी नीचे ना जाए हमारा ब्लेड, और तो दोस्तों हमारा ब्लेड टिक गया, ठीक है, हल्का सा और करके हल्का सा इसको, ठीक है दोस्तों। ये हमने दोस्तों आधा सूज या 1.25 के करीब हमने इधर से बाहर रखना है, मैंने उल्टा डाल दिया था, सॉरी दोस्तों, आप लोग बताते भी नहीं वीडियो में, तो उल्टा डाल गया था,
अब दोस्तों हल्का सा इसको टाइट कर लेंगे, हल्का सा इसमें इधर टाइट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसको चला के देखेंगे रूलर में, जैसे ये हमारा लग रहा है, ये देखो ये लग रहा है, ये स्टेम, ये देखो इधर से लग रहा है। तो हमने हल्का सा इसको हल्की सी हल्की चोट मार लेनी है दोस्तों। ये ब्लेड है कौन सा है, इसका बिल्कुल प्लेट के लेवल रहना चाहिए, तो आपकी यानी कि बड़ी फिनिशिंग से लकड़ आएगी, इसमें फिनिशिंग आएगी लकड़ की रंदाई में, और बहुत अच्छी तरीके से होगी। ये देखो ये हल्का सा लग रहा है, ये हल्का सा इधर भी लग रहा है। हम सेंटर से मारेंगे क्योंकि दोनों तरफ से हमारा और दोस्तों इसके बाद फिर हम देखेंगे ये हमारा स्टेम अब नहीं लग रहा, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा फ्री हो गया, दोस्तों जितना ब्लेड आप नीचे बांधोगे उतनी यानी कि पुट नहीं आएगी इसके अंदर, यानी कि बड़ी फिनिशिंग की छिली आएगी। हमने दोस्तों बांधने से पहले क्या करना, हमने ये बीच वाले को टाइट कर लेना, ठीक है। अब हम इसको टाइट कर लेंगे, अब इस वाले को टाइट कर लेंगे। तो चारों ब्लेड हमने इस तरीके से बांधनी है, ठीक है दोस्तों। ये हमने बांध लिया, ये हमने बांध लिया दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, एक जैसा फिनिशिंग आएगी, ठीक है। ये दोस्तों हमने जो से ये लगा रखे थे स्टेनलेस स्टील के हैं, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, हम पहले लोहे के बांध लेते हैं, हम जब टाइट करते हैं तो इनकी यहाँ से ये मर जाते हैं, कोने इनके मर जाते हैं, तो ये खोलते नहीं दोस्तों। इसको खोलने का तरीका भी बड़ा आसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करनी, छुम्बी लेनी है, छुम्बी से इधर की तरफ जिधर की तरफ खुलता है उधर की तरफ इसको पंच मारना, थोड़ी से जोर जोर से मारोगे ये नट खुल जाएगा। अगर आपका गोल भी है तो भी ये खुल जाएगा, बड़ी आसानी से खुल जाता है, ठीक है ना। और जो सी हमने इसको चाबी भी लगानी है, वो हमने पूरे पूरे साइज की लगानी है, ये नहीं कि लूज हो, क्योंकि ये तो स्टील वाला है, स्टील वाला इसीलिए हमने लिए है। ये 5-6 रुपए का एक पीच आ जाता है ये नट। और दोस्तों ये हमने एक जैसा करना है, ठीक है। जैसे हमने पौने सूत निकाला, ये चारों ब्लेड पौने सूत होने चाहिए, कोई हल्का सा आधा सूत, कोई भी ज्यादा बड़ निकल गया तो उस हिसाब से वो ज्यादा काटेगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम इसमें एक मिस गाइड ये कर देते हैं कि ब्लेड जैसे हाई कार्बेट का होता है तो वो महंगे होने की वजह से, जैसे 100 रुपए 200 रुपए इंच है, महंगे होने की वजह से हम क्या करते हैं, चार ब्लेड को परचेज नहीं करते, हम दो ही ब्लेड परचेज करते हैं। हम एक इधर बांध लें क्योंकि मशीन में हमेशा चार ब्लेड बांधे जाते हैं, कि हम क्या करते हैं दो ही ब्लेड से काम चला लेते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है कि बैलेंस मशीन का आउट हो जाता है और आवाज बहुत ज्यादा करने लग जाती है, क्योंकि दो ब्लेड आपने एक सिरे पे बांध दिए, क्योंकि उनका बैलेंस कभी भी, आप लकड़ तो चल रही है कोई 2 साल से चला रहा, 3 साल से वो तो चले गई, पर दोस्तों उसके बैरिंग भी बड़ी जल्दी खड़क जाते हैं, और जो थी मशीन के ऊपर, जो थी सीधा मशीन के अपने मोटर के बैरिंग ऊपर फर्क पड़ता है। वो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को पता नहीं लगता, नजरअंदाज कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं 200 चल रहा है, 200 चल ही रहा है। अगर आप कोई भी कारपेंटर भाई दो ब्लेड बांधे हुए हैं तो वो चार को बांध के देखिए, फिर उसकी आवाज साउंड देखिए कितना फर्क आएगा, बहुत ज्यादा फर्क आएगा, मशीन एकदम सुन नहीं चलती उससे। तो दोस्तों ये सेफ्टी के थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं, हम मिस गाइड कर देते हैं, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए, और इसी प्रकार से हम चारों ब्लेड फिर हम बांधेंगे, फिर मैं आपको फाइनल में इसके लकड़ की रंदाई भी करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि धार लगाते समय हमने ये देखना है हमारे ब्लेडों का साइज एक जैसा होना चाहिए, कि यानी कि धार लगाते समय यहाँ से ब्लेड आपका चौड़ा हो गया, यहाँ से 1 इंची हो गया, यहाँ से सूत कम 1 हो गया, यानी कि 1 सूत, तो दोस्तों उसमें भी बैलेंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्या वेट एक जैसा नहीं आता। तो इन छोटी छोटी चीजें इन पर भी, क्योंकि जैसे ये मेरे पास ब्लेड है, ठीक है, ये मेरे पास 19 mm है, इधर से भी 19 mm का है। अगर आप खुद भी अपनी मशीन पर धार लगाते हैं तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये ब्लेड की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। मोटाई तो एक जैसी होती है हमारी, कि इनकी चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि ये ना कि यहाँ से ब्लेड आपका पतला है, क्योंकि एक सूत और आधे सूत के भी फर्क में दोस्तों मशीन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप कोई भी गाड़ी का भी बैलेंस ले लो, गाड़ी की जो हम चलाते हैं 4 पहिए की गाड़ी, उसके भी हमें बैलेंस व्हील वगैरह बैलेंस करवाने पड़ते हैं, तो यही हिसाब मशीन का होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चारों ब्लेड हमने बांध लिए हैं, हमने एक बार क्या करना, ब्लेड फिर एक बार हमने रूला घुमा के देख लेना टाइट है कि नहीं, और चलाने से पहले दोस्तों ऐसे हमने घुमा लेना है, ठीक है, और घुमा के थोड़ा सा साइड हो जाना चलाने के बाद, ठीक है दोस्तों। इसकी आवाज है ना जो की बिल्कुल सुन है, इसकी इतनी आवाज नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ब्लेड इसके बिल्कुल थोड़े से डाउन किए, क्योंकि तो पहले हल्के से ब्लेड ऊपर थे तो इसमें पुट आ रही थी, ठीक है। अब देखो इसमें पुट आ रखी है, अब देखते हैं, ये हमारी पुट आपको नजर आ रही होगी, उखड़ रही है ये, ठीक है ना।
अब मैं इसको रंधा मार के देखता हूँ उसके चला के इसमें पोट आ रही है कि नहीं आ रही। देखो पिछली बार ब्लेड मैंने ज्यादा ऊपर से वो धड़कन सी पड़ी हुई है, ठीक है, और धार भी नहीं लगी हुई थी इसकी वजह से भी है। अभी ये मैंने धार बांध के, धार लगा के फिर मैंने बांधे, ये बिल्कुल सही। जितना ब्लेड आप ऊपर करोगे उतनी लकड़ आपकी रफ आएगी, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने आपको पैटर्न बता ही दिया है कि हमें जो सा इस प्लेट के साथ हमने धार रखनी है बराबर लकड़ की, और इस पैंडल से हमने 2 या 3 mm जितना भी आपको टेपर है लगी हुई है पट्टा लगा उस हिसाब से आपने बांधे, कम बढ़ती आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बहुत बढ़िया है, बढ़िया है दोस्तों करना आप लोगों ने। और दोस्तों साथ में बेल आइकन का बटन है, इसको आपने जरूर दबा देना है। इससे क्या आता है दोस्तों, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाया करेगी। और दोस्तों आप लाइक बहुत कम करते हो, कोई भी वीडियो आपके व्यू तो इतने आते हैं, लाइक दोस्तों बड़े थोड़े से आते हैं, इससे हमारा पेट नहीं भरता, आपने बहुत ज्यादा करने हैं लाइक। और ठीक है दोस्तों, आज आपके लिए हम नई खुशखबरी देंगे, मेरा एक चैनल नया मैंने चालू किया कल से, ट्रैकिंग ऑफ नॉलेज। दोस्तों आज से जुनसा मेरा चैनल पर जुनसी आएगी, फर्नीचर रियाद लिखा हुआ है, आप जैसा वैसा करना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लेना, और दोस्तों उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट करना, आप लोगों ने सपोर्ट करना, जैसे इस चैनल को मेरे 50,000 आपने किए हैं, इसी चैनल को भी आपने बहुत ज्यादा प्यार देना, बहुत ज्यादा आपने सपोर्ट करनी है। ये मैं डालता हूँ 12 बजे के करीब वीडियो डालता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज भी मैंने डाली है वीडियो, कल भी मैंने डाली थी, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। We'll be right back.